हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के ऊपर है और ये भारत का एक सा पहला वीडियो है जो हमारे जो हम कलकत्ता शो में गए थे, बंगाल रोज सोसाइटी के शो में, वहाँ पे मुजारियन थे, उनसे हमारी बात हुई और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वो पुणे वाली फीडिंग के बारे में हमको सब कमेंट्स आए थे। आज फीडिंग के ऊपर वीडियो है फ्रेंड्स, और जैसे कि हम आपको बता दें कि वहाँ पर हम सब लोगों से हमारी मुलाकात हुई और 4 घंटा 3 घंटा हमने डिस्कशन किया और सारी सीक्रेट में जानने की कोशिश किया। तो बहुत लोग को कमेंट आया था कि सर आप कुछ पूछे नहीं, कुछ बताए नहीं, तो फ्रेंड्स उनकी सारी डाउट आज क्लियर हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना होगा। आपकी गुलाब की एक जो निराशा होती है, फीडिंग क्या देनी है, फंगिसाइड क्या देनी है और कौन सी फंगिसाइड PGR लेनी है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आदरणीय श्री संजय मुखर्जी के जो मार्गदर्शन मुझे मिले, जो स्वपन दादा का मार्गदर्शन मिले, प्रदीप सरकार दादा का मार्गदर्शन मिले, बड़े बड़े रोजारियन के जो मार्गदर्शन मिले, उस आधार पर ये वीडियो रहेगा। और ये कलकत्ता का रेस्यू है, मैंने वहाँ से पूछा, मैं अचीव किया वहाँ से, वो जो मुझे आशीर्वाद और प्रेम जो मुझे मिला, ये वीडियो उसके लिए समर्पित है। और एक एक पॉइंट को आप नोटिस कीजिएगा, आप ये 10 साल 15 साल की मेहनत है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इतना मेहनत आप लोगों के लिए अगर किया तो सिर्फ और सिर्फ पीके गार्डन का एक यही उद्देश्य है कि गुलाब कल्चर में, पॉट कल्चर में, एक जीवन में लोगों को बदलाव आए। जो निराशा लोगों के मन में हो जाती है गुलाब के प्रति, उसके लिए एक डाउट क्लियर हो। मार्केट में बहुत ऐसे चीज़ जो चल रहे हैं जो अनलीगल तरीके से किए जा रहे हैं, लोगों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए समर्पित है। और दूसरी चीज़ यह है फ्रेंड्स कि हम किसी भी पीके गार्डन, किसी भी जो भी हम तत्व दिखाएंगे, पर्सनली ना ही किसी का प्रचार कर रहा है, ना ही किसी का प्रमोशन कर रहा है। गुलाब के लिए हर एक चीज़ डाल करके गुलाब को नहीं सही किया जा सकता, गुलाब के लिए एक पार्टिकुलर बेस पर एक काम किया जाता है। फर्टिलाइज़र कौन सी कंपनी की अच्छा रहता है, कौन सा ग्रेड का अच्छा रहता है, सारे फर्टिलाइज़र, सारे PGR, सारे ग्रोथ प्रमोटर जो है वो काम गुलाब पे नहीं करते हैं। तो मैंने एक एक चीज़ कलकत्ता से मैंने अचीव किया, तो आइए उस चीज़ को एक प्रकाश हम डालें। सबसे पहले फ्रेंड्स ये है कि गुलाब के कल्चर में क्या होता है कि जब भी कोई फूल देखते हैं वो सबसे ज़्यादा यही बोलते हैं, फूल देखते ही लोग बोलते हैं, उनके मन में यही रहता है कि सर क्या फर्टिलाइज़र देते हैं, क्या फीडिंग करते हैं, तो उस दिशा में उस डाउट को हम क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि अगर आपको अच्छी तरह से ग्रोथ आपको लेना है, ठीक है, पुणे वाले जो फीडिंग हुई थी उसमें बहुत सारी तत्व थी, बहुत सारी लोगों को कमियां थी जो मैंने कलकत्ता से जा करके अचीव किया, तो उस फीडिंग को अगर हम प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो हम किस किस ग्रेड का और कौन कौन सी कंपनी का हम पहले फर्टिलाइज़र लेंगे, आइए सबसे पहले उस पर हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले अगर आपको 1261 लेना है, वो 11 कंपनी का लेना है और हाइफा कंपनी का लेना है। आपको 11 मिल जाए तो बहुत बेस्ट है, अगर नहीं मिलता है तो हाइफा पे आप जा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको 13045 लेनी है फीडिंग, पोटेशियम नाइट्रेट जिसको बोलते हैं, वो आपको मार्ग कंपनी का लैब ग्रेड लेना है। अब ये लैब ग्रेड क्यों सजेस्ट किया गया है उस पर एक छोटी सी हम आपको प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले लैब ग्रेड जो मार्ग कंपनी का, इंडिया में टॉप लेवल का लैब ग्रेड की फर्टिलाइज़र ही आती है, और ये कमर्शियल में ये सारा ग्रेड पोटाश जो उसमें होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। आदरणीय श्री संजय मुखर सर से हमारे डिस्कशन हुआ तो उन्होंने मुझे जो गाइड किया है कि मार्ग कंपनी का पोटाश बहुत अच्छा होता है, तो वो आप मार्ग कंपनी का आपको ये लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आपको 0534 बास फोलियर कंपनी का आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको बास फोलियर कंपनी में 0534 उन्होंने ग्रेड चेंज कर दिया है तो आप हाइफा में आप जा सकते हैं, हाइफा का आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको MgSO4 बोलते हैं, जिसको एप्सन सॉल्ट बोलते हैं, वो भी मार्ग कंपनी का लैब ग्रेड ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम रेस्यू बनाएंगे, जो पुणे वाला रेस्यू है, उस रेस्यू का स्क्रीन पे मैंने कुछ इसमें करेक्शन किया था, जैसे कि हाफ में वो एक किलो का जैसे वो बनाया गया था, तो मैं उसको जो है हाफ ग्रेड में उसको कर दिया हूँ। तो आप उसको अगर हम स्क्रीन पे आपको हम ये दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, 1261 लेंगे 222 ग्राम, और पोटेशियम नाइट्रेट लैब ग्रेड लेंगे मार्क कंपनी का 50 ग्राम, 0534 लेंगे 125 ग्राम और MgSO4 लेंगे 180 ग्राम। ये पूरा रेसिपी आपका बन जाएगा 130 यानी 13 40 13 का रेसिपी तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये आपके डाउट को हमने पूरा कवर कर लिया है और ये एक फीडिंग की सबसे पहला शेड्यूल आपको मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि
गुलाब के लिए कुछ बेसिक जानकारी पे हम आगे बढ़ते हैं, आपको क्या करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, कोई भी आपको पौधा लेना है वो स्वच्छ पौधा लेना है, मदर प्लांट की तरफ नहीं जाना है, बहुत सारे ब्रांचेज की तरफ आपको नहीं जाना है। और दूसरी चीज़ यह है कि रोग मुक्त पौधा हो, ऐसा पौधा आपको सेलेक्ट करना है जो रोग मुक्त हो और फूल ज़्यादा देने वाला है। एग्जाम्पल में जो मैं कलकत्ता बंगाल रोज सोसाइटी में मैं जो देख करके आया हूँ, कुछ आईडी को मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इंडियन वेराइटी पे भी आप जा सकते हैं, मोहना ले सकते हैं, पिंच एविलांच ले सकते हैं, वाइट एविलांच ले सकते हैं, सोलारी ले सकते हैं, मूनस्टोन ले सकते हैं, महिराज ले सकते हैं, ग्रेट स्टॉक ले सकते हैं आप, और अर्पिता ले सकते हैं आप, वहाँ पर एडम्मा ले सकते हैं और जुमेलिया ले सकते हैं। ये दो चार पाँच वैरायटी जो हाईली ब्लूमिंग करती है और अच्छा इसका फॉलेज भी होता है, रोग मुक्त भी होता है, बेसल भी बहुत अच्छे आते हैं। फंगिसाइड और पेस्टिसाइड पे हम बात करते हैं, उस पर उस दिशा पे हम काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो है पीला पत्ता से वजह से परेशान होते हैं, माइट्स और थ्रिप्स के लिए परेशान होते हैं, तो हमें कैसे यूज करना है उस दिशा पर हम थोड़ा सा आगे प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले यह है कि फंगिसाइड का आपको अगर लेना है तो आपको इंडिया में सबसे टॉप जो फंगिसाइड होता है वो बायर कंपनी का एलर्ट के नाम से आता है, सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टर टॉप के नाम से आता है, एमिस्टार के नाम से आता है, सिंजेंटा ही कंपनी में एक स्कोर के नाम से फंगिसाइड आता है, ठीक है। अब ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की अगर हम बात कर लें तो आपको काका ले सकते हैं आप, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कॉम्फिडोर ले सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड, एक जोड़स ले सकते हैं, और एक सबसे बड़ी सीक्रेट है, कभी भी आप पानी का स्प्रे करें, इस दवा को स्प्रे करें तो आइस वाटर वीकली में एक बार ज़रूर करें, पत्ती के नीचे से और अच्छे से करें, ठीक है। पत्ती के आगे और पीछे नीचे दाएं बाएं पूरा अच्छी तरह से इसको हम स्प्रे करेंगे, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा सीक्रेट फार्मूला मैं देने जा रहा हूँ, आदरणीय श्री संजय मुखर्जी का ये 20 साल का मेहनत का ये परिणाम है, जो ये फार्मूला जो है मुझे और पीके गार्डन पर भरोसा विश्वास उन्होंने किया और दिया। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सर कलकत्ता से कुछ नहीं मिलता है, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत सारी बातें होती हैं, तो फ्रेंड्स कलकत्ता के दिल में बहुत ऐसी प्यार है, बहुत ऐसा चीज़ है, मिलने को बहुत कुछ मिल जाएगा, किसी को लेने का तरीका ही नहीं पता है इसलिए नहीं मिलता है। 20 साल 25 साल आदरणीय श्री संजय मुखर सर ने मेहनत किया है और वो चीज़ अगर मार्केट में आए तो लोग बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये फार्मूला पीके गार्डन को इसलिए बताया गया ताकि लोगों को जो निराशे होती हैं, जो आपके मन में निराशा होता है, आगे ये जो फार्मूला मैं देने वाला हूँ ये भारत में पहली बार ये लॉन्च यूट्यूब चैनल पे किया जा रहा है। दूसरी चीज़ जो आपके मन में एक डाउट थे, ब्लैंक सूट की समस्या, बेसल की समस्याएँ और इवन भारत के गुलाब कल्चर में एक बहुत अच्छा बदलाव लेकर के आएगा। पीके गार्डन शुरू से ही एक बदलाव की नीति पे काम करता रहा है, उस दिशा पे हम आगे बढ़ते हैं। तो फार्मूला हम आज आपको पूरा दिखाने जा रहे हैं, ये क्या फार्मूला है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लेंगे ब्रोन लेंगे, आप मेडिकल शॉप से ब्रोन को आप कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि ईसा अभियान हम लेंगे और नैनो यूरिया, जो नैनो यूरिया आता है वो लेंगे, और 3 लीटर आइस वाटर लेंगे, उसमें हम मिला करके और इवनिंग समय पे हम स्प्रे कर देंगे। अब ये कैसे इस फार्मूला को मैं डिजाइन करता हूँ, बनाता हूँ, आइए उस नज़र पे एक प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले ये है फ्रेंड्स कि बोरोन लेंगे हम 1 ग्राम, ठीक है। ईसा अभियान सिंजेंटा कंपनी का 2 ml लेंगे, नैनो यूरिया लेंगे 2 ml और 3 लीटर बर्फ़ का पानी लेंगे, वीकली 7 दिन में हम एक बार स्प्रे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हो गया बात, अब इससे क्या क्या होगा आइए उस नज़र पे एक हम प्रकाश डाल। ऐसा पीजीआर उन्होंने डिजाइन किया है कि ताकि आपकी ग्रोथ लेवल अच्छा हो, एक फोलियज आपको अच्छी मिले। ब्लैंक सूट की जो पूरे इंडिया के सारे रोजारियन परेशान रहते हैं, वो ब्लैंक सूट की सारी समस्याएं को दूर किया जा सकता है इस फार्मूला से। ये फार्मूला होने से और ये टेक्निक यूज़ करने से माइट्स और थ्रिप्स की जो समस्याएँ होती हैं, जो रोग मुक्त एक प्लांट के दिशा पर हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं एक अदर जानकारी के लिए कि हम गुलाब को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि 3 प्रकार के मुख्य पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो मिट्टी में उपलब्ध रहता है, सिंडर मीडिया में उपलब्ध नहीं होता है। उसी के साथ साथ 3 आहार के साथ साथ पौधे को मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा पोषक तत्वों के रूप में थोड़ा सा आयरन, बोरोन, जिंक भी आवश्यकता होती है।
तो आइए कौन सी वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। भारत में जर्मनी टेक्नोलॉजी से बेस्ट फोलियर कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसको हम क्या करेंगे, लेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट और प्लस आयरन चिलेटेड लेंगे हम 0.5 ग्राम, और वीक में एक बार जो है। इंडिया में एक एरिस कंपनी का एग्रो मिनी गोल्ड के नाम से एक माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, थोड़ी सी लो प्राइस में ही आता है, उसको लेंगे हम 0.5 ml, 0.5 ml लेंगे और 0.5 ग्राम जो है चिलेटेड आयरन लेंगे वीक में एक बार, इसको भी हम स्प्रे लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ को अगर एक जगह हम निर्धारित करें, तो आइए उस पर छोटा सा एक हम प्रकाश डालते हैं कि इसको किस दिशा में किस तरह से हमको काम करना होगा। ये फर्टिलाइज़र हम सबसे पहले क्यों रिलीज करें, पुणे में 3 प्रकार के फर्टिलाइज़र को डिस्प्ले किया गया था, किसी कारणवश वो डिस्प्ले नहीं हो पाया था। अगर ये सिर्फ प्रोडक्ट का मैंने नाम बता दिया, अब एक प्रकाश हम देंगे, एक एक स्टेप करके हम सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि कोई भी नया पौधा हम लगाएंगे उसमें जो है कैसे है, इस चीज़ पे हम काम करते हैं, उस विषय पे हम चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले ये है कि अगर कोई भी आपको गुलाब का पौधा लगाना है छोटा, तो आपको माइकोराइजा दे करके आपको 10 दिन तक रखना होगा, ठीक है। माइकोराइजा देने के बाद से सिर्फ वाटरिंग करनी है, कोई फंगिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे आपको नहीं करना होगा, ठीक है। और आज का वीडियो सीक्रेट के अंदर सीक्रेट वाली सारी फार्मूला को जो है, एक एक स्टेप जो मैं सीखा हूँ, जो मैं मुझे बताया गया है, वो सारी उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स ये सारी जो पीछे मैंने जो बताया है, वो एक प्रकाश सा छोटा सा कि आपको कौन कौन सा चीज़ लेना है, एक फाइनल प्रकाश हम डालने जा रहे हैं, ये करना कैसे है। सबसे पहले फ्रेंड्स की माइकोराइजा हम दे देंगे, उसके बाद से हमको क्या करना है, यारा कंपनी का या बेस फोलियर कंपनी का या हाइफा कंपनी का आपको 1260 लेना है। उसके बाद इसको 2 दिन आप कम से कम फीडिंग कराइए। गुलाब का फीडिंग जो होती है, एक गुलाब एक ऐसा पौधा है जो अतिरिक्त भोजन की इसको आवश्यकता होती है, अन्य फूल के तुलना में इसको अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। कृपया सप्ताह में 2 बार या 1 बार कम से कम फीडिंग कराएं ही कराएं, ठीक है। अब बात करते हैं 1261 महीने में, 1 महीने नए पौधे में आँख बंद करके आपको 1261 2 ग्राम देना है, MgSO4 2 ग्राम देना है लैब ग्रेड मार्क कंपनी का, और इसको मिला देना है पानी में, और इसको खूब पानी को अच्छे से फेड करके और थोड़ा थोड़ा सब पौधे में जो है हमको न्यू पौधे में ड्रिंच करना है। ये नया पौधा के लिए मैं एक शुरुआती में स्टेज पे आगे बढ़ता हूँ। अब हम बात करते हैं एक सबसे अच्छी प्रोडक्ट जो है, आपको माइकोराइजा आपको लेना है, टाटा रैली गोल्ड के नाम से ले सकते हैं, जो मार्केट में दानेदार फॉर्म में उपलब्ध है। और एक कई लोग बोलेंगे कि सर माइकोराइजा कितना देना है, तो 8 इंची टॉप में आप 1 ग्राम 2 ग्राम दे सकते हैं, 1/2 टीस्पून भी स्प्रिंकल कर सकते हैं जड़ के पास, उसको पानी दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। और शाम के समय ही दीजिएगा माइकोराइजा। माइकोराइजा पे वीडियो को लास्ट में बताएंगे, एक बहुत बड़ा सीक्रेट और है। दूसरी चीज़ कि भारत में सबसे अच्छा एक प्रोडक्ट बिकता है जो ह्यूमिनस गोल्ड के नाम पर आता है, स्क्रीन पे ये आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और टाटा बहार रैली गोल्ड भी मिलता है, दोनों मामले में सबसे बेस्ट है। हफ्ते में बेहतर जड़ प्रणाली बनाने के लिए आप 1 ml ह्यूमिनो गोल्ड ले सकते हैं, 1261 है, 2 ग्राम ले सकते हैं, हफ्ता में एक बार ड्रिंच कर देंगे। वो डेटाबेस आपको शेड्यूल में मैं बता दूंगा कि कैसे करना है आगे वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अब कुछ हम केयरिंग के बात कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स जैसे कि खरपतवार आपके प्लांट में गिरते रहते हैं, पत्ता पीला वगैरह हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपको जो है वो सफाई पे विशेष ध्यान देते रहना है, मिट्टी को गुड़ाई करते रहना है, सिंडर को थोड़ा थोड़ा उसको जो है ऊपर की तरफ चढ़ाते रहना है, ताकि एरेशन प्रॉपर बना रहे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें किस लिए किया जा रहा है, उस पर एक प्रकाश डालते हैं। भारत में 70-75% रोजारियन ऐसे हैं, आज भी ऐसे हैं, जो सिंडर मीडिया में करते हैं, वो सिंडर मीडिया में जो करते हैं, भारत में 75% लगभग लोगों का रूट का सबसे बड़ी समस्या, उनका आज तक रूट बना ही नहीं है, और बैक्टीरिया की सबसे बड़ी समस्या होती है।
और गुलाब को अच्छे ग्रोथ पाने के लिए रूट ही सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अच्छा रूट अगर डेवलप नहीं हो सकता है तो आप गुलाब नहीं कर पाएंगे। आप फीडिंग के चक्कर में आप लोग इतने परेशान रहते हैं। गुलाब एक सबसे बड़ा लॉजिक है जो गुलाब के वजह से जो आपका रूट की एक सबसे बड़ी समस्या होती है। रूट डेवलपमेंट करने के लिए ये चीज़ हमने वहाँ पर पूछा और एक एक चीज़ मुझे बताई गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी हम आगे बढ़ते हैं कि गर्मी के समय में आपको थोड़ी सी मल्चिंग करने की ज़रूरत है। जो नेक्स्ट वीडियो हम ले करके आएंगे वहाँ से जो मल्चिंग करने का मुझे प्रोसेस बताया गया है वो मल्चिंग हम करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक पानी सबसे बड़ा मुख्य रोल है जो एक पानी पे हम एक छोटा सा प्रकाश डालेंगे और उस दिशा पे हम आगे बढ़ते हैं। आपको पानी सुनिश्चित करना होगा कि आपको ना पानी कम देना है ना ज़्यादा देना है। ठीक है, चलिए हम उस दिशा पे हम आगे बढ़ते हैं और ये पूरी फार्मूला जो है हमने डेवलपमेंट किया है। ठीक है, इस फार्मूला पे हम एक प्रकाश डालते हैं। ये 8 दिन का शेड्यूल है। इस फार्मूला को पूरे हमको कैसे बनाने हैं उस तरीका पे हम काम करते हैं। आपको नए प्लांट लगा लिए, 1 महीने तक हम 12x8 देंगे, 11 कंपनी हाइफा कंपनी, और 2 ग्राम 12x8 की फीडिंग लेंगे, NPK 12x8, मैग्नीशियम सल्फेट लैब ग्रेड लेंगे 2 ग्राम, और हम पौधे में देंगे अगले 1 महीने। 1 महीने जब कंप्लीट हो जाएगा, रूट जोन में देना हमको, अगले कंप्लीट हो जाएगा तो हम किस दिशा पे हमको काम करना है, आइए उस दिशा पे हम प्रकाश डालते हैं। जो मैंने फार्मूला बताया 13-40-13 का, जो कंपनी का मैंने बताया आपको, उससे मिक्स फूड हम बना लेंगे, एक रेशियो बना लेंगे पुणे वाला, और 2 ग्राम आपको पहले दिन आपको लेना है 2 ग्राम, और रूट जोन में ड्रिंच कर देना है। ठीक है, जो 25 साल वाली जो फार्मूला है, जो डिजाइन किया हुआ फार्मूला है, उसको दूसरे दिन लेंगे, बोरोन 1 ग्राम लेंगे, इसाब्योन लेंगे 2 ml, नैनो यूरिया लेंगे 2 ml। ये ऐसा फार्मूला है कि शायद आपकी गुलाब की एक नई दिशा प्रदान कर देगा। ठीक है, इसको 3 ml आइस वाटर के साथ हम स्प्रे लगाएंगे शाम के समय में। ठीक है, अब हम तीसरे दिन की अगर बात कर लें तो रूट, अगर आपको बेहतर अच्छा रूट करना है, 12x8 लेना है 2 ग्राम, 1 ml ह्यूमिनस गोल्ड लेना है, बहुत अच्छी कंपनी है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, मैं यूज भी कई दिन से कर रहा हूँ, और इसको लेना है 1 लीटर पानी में और रूट जोन में ड्रिंच कर देना है। चौथा दिन, अब फंगिसाइड की अगर हम बात कर लें तो बहुत लोग की समस्या क्या होती है कि सर पत्ता पीला हो रहा है, सर हमारे पे ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं, सर हमारी मिल्डू का समस्या है, ये सारे एक ऐसी फंगिसाइड है जो आपको ये ले करके रखना है। अब ये ले करके रखना है, इतने सारे फंगिसाइड हमने क्यों बताया, तो ये सबसे इंडिया का सबसे बेस्ट और बेस्ट टॉप लेवल की ये फंगिसाइड है, और फंगिसाइड एक ऐसा है, अलर्ट एक ऐसी फंगिसाइड है जो सबका दादा है गुलाब कल्चर में। सबसे बेहतरीन तरीका इसका है अलर्ट जो आता है, अलर्ट कोई बताता ही नहीं आपको, जो मुझे वहाँ से मुझे जानकारी दिया गया। अब ये तीनों चीज़ क्या है, आपको चौथा दिन जो मैं बता रहा हूँ, कभी इसको स्प्रे लगाना है, कभी इसको स्प्रे लगाना है, घुमा फिरा कर आपको स्प्रे लगाना है। आज हम अलर्ट दे दिए तो अगले हफ्ता हम एमिस्टर दे दिए, अगले हफ्ता हम स्कोर दे दिए। ये फंगिसाइड का 1 ml डोज रहेगा, सुबह का समय में 8 बजे के आसपास में आपको स्प्रे लगा देना है। ठीक है, अब पाँचवें दिन जो सबसे एक बड़ी चीज़ है, आपको रूट जोन में अगर चाहते हैं आप तो बायोबीटा एक्स दे सकते हैं। हमने स्वपन दादा से बाहर बात किया कि सर हमको बढ़िया अच्छा से हमको विटामिन कुछ बताइए, तो उन्होंने बायोबीटा एक्स हमको सजेस्ट किया, जो मैं बायोबीटा एक्स में बहुत पहले से यूज करता हूँ। रूट जोन में 2 ml पर लीटर के हिसाब से बायोबीटा पाँचवें दिन आप ड्रिंक चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड पर एक नज़र देते हैं हम। 1 ml हम काका लेंगे, ठीक है, आज हम काका दे दिए, अगले हफ्ते कॉम्फिडोर दे दिए, अगले हफ्ते एक जोडस दे दिए। इसको बर्फ़ के पानी के समय से आपको स्प्रे करना है। बर्फ़ के पानी से आपकी एक जो पौधे में एक जो चमक देखने को मिलेगी, एक हट के देखने को मिलेगी। माइट्स और थ्रिप्स का इंडिया में कोई ऐसा दवा नहीं है, जो बोलते हैं कि माइट थ्रिप्स भग जाएगा वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, सिर्फ आपके पैसे बर्बाद करती हैं। माइट्स थ्रिप्स के लिए कोई दवा नहीं है, बस बोला जाता है कि हाँ दवा है, रोका जा सकता है उसको, लेकिन वो तब रुकेगा एक सावरिंग, प्रॉपर तरीका से आपको सावरिंग देना है। बर्फ़ का पानी से उन लोगों को एक रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए ये फंगिसाइड आपको घुमा फिरा के मारना है। छठे दिन फिर हम पुणे वाला मिक्स फूडिंग दे देंगे हम 2 ग्राम, और सातवें दिन जो मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको बताया है वो आपको इस तरह से आपको स्प्रे लगा देनी है।
हाफ ग्राम ये हो गया, हाफ ग्राम चिलेटेड आयरन हो गया, वीक में एक बार आपको सुबह के समय में स्प्रे लगाने। माइक्रो न्यूट्रिएंट कभी भी हम सुबह में स्प्रे करेंगे तो प्लांट बहुत अच्छा काम करता है। ये पूरा स्क्रीन आप देख लीजिए, ठीक है। अब हम एक ऐसी बात पे हम प्रकाश डालना चाह रहे हैं जो आज तक आप वंचित होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पानी पे एक छोटा सा प्रकाश डालते हैं। आपको पानी या मॉइस्चर लेवल गुलाब पे सबसे बड़ा एक सीक्रेट समस्या है। पानी अगर आप कंट्रोल कर लिए, पानी को गुलाब में अगर आप समझ गए, तो आपको जो है गुलाब बहुत अच्छा से रूट ग्रोथ हो जाएगा। पानी मेन सीक्रेट लॉजिक है। आपको मॉइस्चर को पकड़ना पड़ेगा। जितना मॉइस्चर आप पकड़ेंगे रूट उतना ही तेज़ी से डेवलप होगा। पानी ज़्यादा हो जाएगा रूट गलना चालू हो जाएगा, पानी कम होगा तो काला ब्राउनिश होना चालू हो जाता है। तो आपको पानी एक बार आपको समझना पड़ेगा, वो आपको ही समझना पड़ेगा, कोई नहीं सिखा पाएगा। मॉइस्चर लेवल को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा। आपको पकड़ना पड़ेगा मॉइस्चर लेवल। दूसरी चीज़, आपको मिट्टी का गमला यूज करना है, 6 इंची से 8 इंची तक गमला यूज करना है, ठीक है। गमले पे भी एक डिटेल वीडियो आगे हमारी आने वाली है, जो मैं वहाँ से गमला लेकर के आया हूँ, ठीक है, उसके लिए चीज़ है। अब फाइनली हम बात करते हैं कि सारे चीज़ हो जाते हैं। आजकल जो मार्केट में ट्रेंड चल रहे हैं वो पीएच का ट्रेंड चल रहे हैं, ठीक है। एक सबसे बड़ा मैं एक आज उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, पीएच की जो समस्याएँ हैं बहुत लोगों के मन में डाउट रहते हैं। इवन मैं बहुत बार पीएच पे बोला भी हूँ, फिर आज मैं वहाँ की जो चीज़ें मुझे सिखाई गई है मैं उस चीज़ पे मैं बोलता हूँ। पीएच की जो समस्या है, अच्छी फीडिंग आपकी होगी, फार्मूला अच्छा होगा, तो आपको पीएच की समस्याएं भी दूर हो जाएगी। इस बात को आप गांठ बांध लें। जो आजकल मार्केट में लोग सब लोग ट्रेंड जो चला रहे हैं, लोगों को प्लांट जो पीएच के नाम पर इतने सारे मर रहे हैं, फार्मूला किसी का बढ़िया नहीं है फ्रेंड्स। ये फार्मूला से कोई पीएच की आपकी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। आजकल क्या किए जा रहे हैं, चाय में कोल्ड ड्रिंक मिला के पौधे को पिलाए जा रहे हैं, और उसके बाद किए क्या क्या किए जा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डलवाए जा रहे हैं, बैटरी एसिड डलवाए जा रहे हैं। आइए उस दिशा पे हम आगे बढ़ते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड डालने से प्लांट में क्या होता है और प्लांट को क्या हार्मफुल पहुँचाता है, आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। सल्फ्यूरिक एसिड डालने से माइकोराइजा के बैक्टीरिया मर जाता है। एसिड ज़्यादा यूज करने से, हाईली एसिटिक होने से आपके माइकोराइजा का बैक्टीरिया मर जाता है। एजोबैक्टर की जो बैक्टीरिया होती है वो मर जाती है, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड डालने से प्लांट का क्या होता है, आइए एक नज़र उस पर हम डालते हैं। एसिड बार बार डालने से प्लांट की उम्र बढ़ जाता है। सबसे पहली बात इस चीज़ को याद रखिए, स्टेम में काला काला धब्बा आ जाता है, ब्राउनिश आ जाता है। 30 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर जो है एसिड का भी यूज नहीं करना चाहिए। विनीगर का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। विनीगर का इस्तेमाल हमको कब करना चाहिए, आपके पीएच पे जब आपके सिम्टम प्लांट को देने लगे, जब पत्ता की जब कलर पहचान में आने लगता है तो ही हमको देना है। अगर आपका प्लांट हरा भरा है, ग्रोथ ले रहा है, तो हमको विनीगर और एसिड को ध्यान ही नहीं देना चाहिए। और एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आप प्लांट में ना डालें, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, नहीं तो आपके प्लांट में स्क्रॉचिंग आ जाएगा, ब्राउनिश आ जाएगा, फटने लगेगा उसका। इसी चीज़ ये है कि एक सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि आपको एक छोटा सा चीज़ हम बताने जा रहे हैं। आपको 20 दिन पे ये इफ़को कंपनी का PSB पोटेशियम सेल्यूबल बैक्टीरिया, आप इसको आपको 20 दिन में एक बार जो है आप इसको दे सकते हैं। 250 ml 2 से 3 लीटर पानी में मिला करके इसका डोज है, आप थोड़ा थोड़ा करके सारे पौधे में दे देंगे तो इससे बेहतर आपका बैक्टीरिया अच्छा डेवलप हो जाएगा। माइकोराइजा आपको मैंने बता दिया कि माइकोराइजा पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और इस अब जहाँ तक बात रहा कि इसको हमको कब तक यूज करना है, तो ठीक है, उस दिशा पर मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। फ्रेंड्स, नए पौधे पर बारह सेट तो मैं बता ही दिया हूँ। इसको जो पुराने पौधे हैं जो सेकेंड फ्लेश ले चुके हैं, इसको जून तक आपको जो है जून जुलाई तक ये फीडिंग, यही शेड्यूल को आप कंटिन्यू रह सकते हैं। हफ्ते में 2 फीडिंग है, बाकी ये सब सारी PGR है। पुणे वाले चीज़ में बहुत सारी चीज़ें कमी रह गई थी जो मैं वहाँ पे गया अचीव करके लाया। ये फार्मूला कलकत्ता का फार्मूला है, जिसको यूज करना चाहे वो लोग यूज कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब ये सारी मेहनतें जो हम कर रहे हैं, इतनी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, एक बदलाव के लिए कर रहे हैं, और ये बदलाव हमारे और 25 साल जो सर ने मेहनत किया
वो भी ये चाहते हैं कि कम से कम लोगों के जीवन में बदलाव आए। ये बदलाव तब आएगा जब आप खुद चाहेंगे। अब ऐसे नहीं कि हमारे सब कुछ करने से हमने उतना दूर गए, सब कुछ ला करके मैं आपको तो दे दिया, लेकिन ये बदलाव तभी आएगा जब आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, आप स्थिर रहेंगे। आप एक जगह से कोई भी चीज़ कीजिए, आप बार बार सामान खरीद खरीद के अपने घर में ढेर लगाते जा रहे हैं, उसको रोकने की एक प्रयास है। सारी चीज़ गुलाब पे सूटेबल नहीं है। आप जो भी कुछ देखेंगे, जो भी चीज़ करेंगे, आप ला करके यूज करने लगे, ऐसे नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ अगर मैं भी चाहूँ तो बहुत सारी चीज़ आपको बता दूंगा, दिन भर आप सामान ही खरीदते रह जाएंगे। पैसे की बर्बादी आपको नहीं करना है। पीके गार्डन का यही उद्देश्य है कि कम पैसे में गुलाब को एक अच्छा दिशा दिया जा सकता है, और ये बदलाव तब आएगा जब आप भी कहेंगे। और 75% इंडिया का आज भी रूट डेवलपमेंट, बैक्टीरिया डेवलपमेंट उनके पॉट में हुआ ही नहीं है। वो बार बार फूल देख करके पीछे भागने लगते हैं फर्टिलाइज़र के। उस चीज़ को आपको रोकना पड़ेगा। ये वीडियो का यही उद्देश्य था कि आप एक एक चीज़ मैंने बता दिया है, आपके माइट्स थ्रिप्स की समस्या, पत्ता पीला होने का समस्या, फीडिंग क्या देनी है, कब कब क्या यूज करना है, एक एक चीज़ में जो है इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ और आप लोगों के लिए दे दिया हूँ। और अगर ये चाहता तो मैं अपने पास ही रखता, मैं यूज करता, आपको बताता नहीं। लेकिन मैं अगर वहाँ का चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है कि आपके जीवन में एक बदलाव आए, गुलाब के कल्चर में एक बदलाव आए। बस उस दिशा के लिए हम कर रहे हैं। बार बार आप लोग कुछ भी जाते हैं, लगते हैं पौधा में डालना, वो सी चीज़ आप मत डालिए। गुलाब के लिए सब कुछ सूटेबल नहीं होता है। हम एक ही कोई प्रोडक्ट के बारे में अगर बताने लगे 20 बार तो आप वही खरीद के लेके आएंगे। आप अपना भी एक थोड़ा सा समझिए, जो है उसको डाल के ख़त्म कीजिए। इस फार्मूला को जिनको यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये रेशियो कलकत्ता का रेशियो था, जो हमने जो भी कमी थी, PGR नहीं बताया गया था वो मैंने बता दिया आपको, आपको ग्रोथ प्रोमोटर नहीं बताया गया था, इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड ये सब सारी चीज़ें अधूरी रह गई थी, जो हमने वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। पूरा डिस्क्रिप्शन पे इसका स्क्रीन पे हम आपको दे देंगे कब कब क्या यूज करना है, क्योंकि ये बहुत सारे चीज़ पर अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा थे इसलिए ये वीडियो लंबा हुआ, और पार्ट बाई पार्ट में ये वीडियो मुझे करना नहीं था। बहुत लोगों को आपके मन में थोड़ी बहुत सस्पेंस भी होगा कि ये सब एक ही में क्या क्या किया गया है, तो वो सारी चीज़ जो है फिर से हम एक छोटा सा प्रकाश एक लाइव करके मैं डाल दूंगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है और क्या क्या नहीं है, और बाकी सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। हमारे मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।